हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एबिलिटी एनहांसमेंट सेकंड सेमेस्टर में एक आपका सब्जेक्ट है ऑल यूजी कोर्सेज के लिए हिंदी औपचारिक लेखन खा हिंदी भी आदम। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की इसका पेपर कैसा आता है और हर बार की तरह यही आएगा एग्जाम में, आप खुद बोलोगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो हिंदी औपचारिक लेखन हिंदी खा, तो सिलेबस की बात की जाए उसमें भी दो यूनिट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं आपको यही बता देता हूँ, ठीक है। हिंदी की खास बात है कि आपको चैप्टर से बदल जाता है। लेखन दक्षता का विकास, साफ साफ पता लगा लेखन के ऊपर इसमें क्वेश्चन बनेंगे। कार्यालय हिंदी के बारे में बताएं, उसका विकास बताएं। व्यावसायिक हिंदी के बारे में बताएं। टिप्पण और प्रारूपण सामान्य परिचय इसके बारे में बताना होगा। प्रतिवेदन और विज्ञप्ति का महत्व, ठीक है। दूसरा यूनिट है आपका औपचारिक लेखन के प्रकार, जिसमें स्वव्रत लेखन, सूचना के अधिकार के लिए लेखन, कार्यालय और व्यावसायिक पत्र लेखन, किसी व्यावसायिक कार्यक्रम के संदर्भ में प्रेस विज्ञप्ति तैयार करना। तो देखिए कितने तरीके के लेखन होते हैं, यानी लिखना जो रिटर्न होता है कितने तरीके का होता है, वो इसमें पढ़ना होगा आपको, ठीक है। तो इसका भी पेपर मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ईजी ये भी आता है सब्जेक्ट, हिंदी भी है। 10th तक जिन्होंने हिंदी पढ़ी होगी उनको दिया जाता है, तो देख लेते इसका पेपर कैसा आता। तो देखिए हिंदी औपचारिक लेखन सेकंड सेमेस्टर का पेपर है, पेपर आपका 60 नंबर का आएगा। जी हाँ, 2 घंटे का समय, 60 नंबर आपको दिए जाएंगे, 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। कम है ना, बट नंबर भी तो कम है, 60 नंबर का पेपर भी तो, ये भी तो देखिए आप, फिर आपका तो सर नंबर कम है, ऐसा कुछ नहीं है, 60 नंबर का पेपर, ठीक है। ए मिनट, क्या यार ये बता रहे हैं, ठीक है हाँ, तो आप देख सकते हो 60 नंबर का पेपर आएगा। हाँ अब ठीक है, 9:30 के बाद 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, ठीक है। सभी प्रश्न इसमें आपको करने होंगे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन, कार्यालय हिंदी से आप क्या समझते हैं। मैं आपको वही बता रहा था, पहली यूनिट से तो क्वेश्चन भर भर के आपको मिलेंगे। कार्यालय हिंदी से आप क्या समझते हैं। भारत में कार्यालय हिंदी की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट कीजिए, 12 नंबर का है। दूसरा आपका सूचना का अधिकार, यानी RTI के अंतर्गत सूचना लेने हेतु आवेदन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चौथा, प्रगति मैदान में आयोजित विश्व पुस्तक मेले हेतु एक प्रेस विज्ञप्ति तैयार, पहला एक मिनट, पहला, ठीक है, यहाँ से नहीं है, हाँ पेज नंबर ऊपर नीचे है, कोई नहीं। व्यावसायिक हिंदी का अर्थ स्पष्ट करते हो, बाजार की दृष्टि से इसका महत्व उदाहरण से लिखिए, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट होते क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपका प्रतिवेदन से किसे कहते हैं, प्रतिवेदन किसे कहते हैं, एक अच्छे प्रतिवेदन की विशेषताएँ लिखिए। फिर आपका प्रारूपण की परिभाषा देते हुए प्रारूपण लेखन की विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। स्वव्रत लेखन को स्पष्ट करते हुए अच्छे स्वव्रत लेखन के गुणों को उल्लेख कीजिए। तो मैं एक बता रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछता है, जो चैप्टर है वही क्वेश्चन है, आप वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट, ठीक है। तो फिर ये अथवा हो गया, अथवा का मैं आपको दिखाता हूँ, ये फिर आ जाता 30वां पेज। हाँ अब आ जाता सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना लेने हेतु आवेदन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चौथा, प्रकृति मैदान में आयोजित विश्व पुस्तक मेले हेतु प्रेस विज्ञप्ति तैयार कीजिए। अपने क्षेत्र में महिलाओं के साथ बढ़ती हुई छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम हेतु पुलिस आयुक्त को पत्र लिखिए। देखिए पत्र लिखने वाला भी क्वेश्चन तो बनता है, आप आराम से लिख सकते हो। किन्हीं दो विषयों पर टिप्पणी की लिखिए। व्यावसायिक पत्र के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, बिजनेस जो लेटर होते हैं, टिप्पणी की विशेषता है। और फिर नेक्स्ट है आपका अनुस्मारक कार्यालय हिंदी का उद्देश्य। तो ऐसा पेपर पूरा आता है आपके सामने, मैंने दिखा दिया। तो वीडियो कैसे लगी जो होता है।